नमस्कार, आप लोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कोटपुतली से। सरुण थाना प्रभारी इंद्राज सिंह की कार्रवाई, आरोपी गोलू के घर से बरामद किए हथियार। फायरिंग मामले में आरोपी गोलू को किया था गिरफ्तार। अब तक 4 देसी कट्टे बरामद हो चुके हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटपुतली से। आरोपी गोलू के घर से बरामद किया हथियार। फायरिंग मामले में आरोपी गोलू के घर से हथियार बरामद किए गए हैं। कोटपुतली से बड़ी खबर, आरोपी गोलू के घर से बरामद किए हथियार। अब तक 4 देसी कट्टे हो चुके हैं बरामद। आरोपी गोलू के घर से बरामद किए हथियार। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोटा की पहचान है कोटा डोरिया साड़ी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में कोटा डोरिया साड़ी बाजार की सौगात दी। खास बात यह रही कि 10 साल का इंतजार दुकानों के आवंटन के लिए कोटा डोरिया के व्यवसायियों को करना पड़ा। अब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इस पूरे मामले में बड़ा फैसला करते हुए 4070 वर्ग फीट की दर से बड़ा तोहफा देते हुए दुकानों के आवंटन का फैसला किया और इस योजना के पुस्तक का विमोचन किया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान यूआईटी विशेष अधिकारी आरडी मीणा, जिला कलेक्टर ओपी बुनकर, यूआईटी सचिव राजेश जोशी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। और छोटी समाज पर एक व्यापारियों की मीटिंग थी। उस व्यापारियों की मीटिंग में सबकी ये मांग हुई कि साड़ी वालों के लिए एक अलग से बाजार बनाया जाना चाहिए। काफी कंजेशन रहता है और बाहर के जो बड़े बड़े व्यापारी आते हैं उनको काफी तकलीफ होती है। तो मैंने उसी वक्त ये कहा था, मैंने कहा इस पर विचार करते हैं और विचार करके कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं कि आप लोगों के लिए कोई एक अच्छी दुकानें जहां पर भी जगह मिल जाएगी वहां पर बनाने का प्रयत्न करते हैं। हनुमानगढ़ में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने रीट परीक्षा को पूर्ण गंभीरता के साथ सुचारू और पारदर्शिता पूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्थाओं से संबंधित चेकलिस्ट के अनुसार पूर्ण तैयारी की जाए। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी जिलों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टे जारी किए जाएं। इस दौरान बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों की जिलेवार समीक्षा की गई तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में सभी की जन भागीदारी दिखाई देनी चाहिए। आज माननीय मुख्य सचिव महोदया द्वारा सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर्स के साथ वीसी आयोजित की गई। इसमें पहला बिंदु था दिनांक 23 और 24 जुलाई को रीट के एग्जाम को बहुत ही सफलतापूर्वक करवाना। इस संदर्भ में जिले के द्वारा पूर्ण तैयारियां करवा ली गई है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे जिले में लगभग 45,000 कैंडिडेट्स दोनों दिन एग्जाम में बैठेंगे। हम भामाशाह और अन्य लोगों की मदद से इन लोगों के लिए ठहरने की और खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। पिपलदा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। पूर्व ज्वला प्रमुख कमला मीना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक का संचालन पूर्व प्रधान विजय शंकर नागर ने किया। बैठक में विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने आने वाले समय में बीजेपी बाहरी प्रत्याशी स्वीकार नहीं करें, स्थानीय व्यक्ति को ही पार्टी टिकट दिए जाएं, इसको लेकर पार्टी के उच्च नेतृत्व
को कार्यकर्ताओं की भावनाओं से, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और जनता की भावनाओं से अवगत कराया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिपलदा की जनता के बीच का प्रत्याशी ही जनता स्वीकार करेगी, इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच से किसी को भी टिकट मिले, कार्यकर्ता एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। अजमेर के नसीराबाद में एनीमिया मुक्त भारत निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। रामचंद्र श्याम सुंदर धर्मशाला में निशुल्क शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान शिविर प्रभारी ने बताया कि इस आयोजन को सफल बनाने में विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश काबरा, कृष्ण सोनी, संगीता काबरा ने अपनी विशेष सेवाएं दी हैं। इस शिविर में हीमोग्लोबिन की जांच भी निःशुल्क की गई है। केलवा नेहरू युवा केंद्र राजसमंद के निर्देशन पर बीजारोपण किया गया। स्वामी विवेकानंद युवा मंडल और स्वच्छ केलवा हरित केलवा की तरफ से जगह जगह बीजारोपण किया गया। मंडल अध्यक्ष लालू राम सिंधल ने बताया कि सीड्स बॉल बनाने के लिए 50% गोबर एवं 50% मिट्टी का मिश्रण मिक्स किया जाता है। साथ ही बताया कि बॉल बनाने के लिए के बाद 6 से 7 दिन तक छाया में उसे सुखाया जाता है। प्रतापगढ़ के आईडियल्स कॉलेज के सभागार में मीडिया एक्शन फोरम आयोजित किया गया। सभागार में आयोजित राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के जरिए जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने वरिष्ठ पत्रकार डॉ. वीरेंद्र उपाध्याय के स्मृति में आयोजित परिचर्चा में कहा कि राजस्थान में मिशन पत्रकारिता आज भी है, लेकिन पत्रकार ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे समाज में संदेश जाए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के संस्थापक अध्यक्ष अनिल सक्सेना ने कहा कि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो आज भी मिशन पत्रकारिता जिंदा है। सक्सेना ने डॉ. वीरेंद्र उपाध्याय का उदाहरण देते हुए बताया कि पत्रकारों ने खबरों के कारण अपनी जान भी दी है। तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने तारानगर शहर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 42 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे 20 बेड के शिशु वार्ड का शिलान्यास किया। क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित गोपाल शास्त्री ने पूजा पाठ करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं विधायक बुढ़ानिया ने शिशु वार्ड की नींव रखी। विधायक बुढ़ानिया ने शिशु वार्ड बनने से बच्चों के इलाज के लिए बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी ये भी बताया। वहीं डॉक्टर विजय पाल कड़वासरा ने कहा कि विधायक बुढ़ानिया की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने वार्ड स्वीकृत किया है। चिकित्सा स्टाफ ने राज्य सरकार और विधायक बुढ़ानिया का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रधान संजय कसवाहा, चेयरमैन प्रियंका, कई डॉक्टर सहित सीएचसी स्टाफ उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में व्यापारियों ने बाजार बंद रख करके दिवंगत कन्हैयालाल टेलर की श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कस्बे का बाजार पूरी तरीके से बंद नजर आया। बाजार में सिर्फ मेडिकल और सब्जी की दुकानें ही खुली नजर आई। वहीं शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर दिनदहाड़े निर्मम हत्या को लेकर के व्यापारियों ने स्वैच्छिक तरीके से बाजार बंद रखा। व्यापारिक भाई कन्हैया लाल जिनका उदयपुर में बर्बरता के साथ ने जिनकी हत्या की गई उसके विरोध में आज हम सब व्यापारी भाई एकजुट होकर के और शांतिपूर्वक उनके श्रद्धांजलि देने हेतु बाजार को बंद किया है। इस बाजार में किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। हमारा व्यापारी भाई था इसलिए हमने ये बंद किया बाजार ये है। इस पूरे आयोजन में बाजार व्यापारिक बंद में
स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा लालसोट पहुंचे, जहां उन्होंने लालसोट विधानसभा क्षेत्र के 13 गांवों में बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर सौगात दी। उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण कार्य का उन्होंने शिलान्यास भी किया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन लालसोट पंचायत समिति परिसर में किया गया। उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण पर तकरीबन 533 लाख रुपए खर्च आएगा। वहीं इससे आसपास वाले लोगों को लाभ मिलेगा। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां दीपलाना गांव के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म का निर्माण चल रहा है। ऐसे में ठेकेदार पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। आरोप है कि 3 नंबर की ईंट काम में यूज की जा रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि निर्माण सामग्री भी गुणवत्ता के अनुसार सही नहीं है। आपको बताते चले, विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही के चलते रेलवे स्टेशन पर घटिया निर्माण जारी है। वहीं ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से घटिया निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की मांग करी है। सरदार शहर में पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है। पुलिस ने अवैध तरीके से चलाए जा रहे कई कैफे पर छापेमारी की, साथ ही 12 लोगों को भी गिरफ्तार किया। थानाधिकारी सतपाल विश्नोही के मुताबिक शहर में कई कैफे बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर कई जगहों पर छापेमारी करके कैफे संचालकों से पूछताछ की गई। पूछताछ में जिन कैफे संचालकों के पास फूड लाइसेंस नहीं मिला, उनकी नियमानुसार गिरफ्तारी की गई है। सरदार शहर में कई कैफे बिना लाइसेंस के चलने की सूचनाएं मिल रही थी, जिस पर आज मेरे द्वारा मेरी टीम के साथ कई कैफे चेक किए गए, जिनमें कैफे संचालकों से लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो उनके पास कोई लाइसेंस नहीं मिला, जिस पर कैफे संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। इटावा के खेडली में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खेत में चुवारा काटते समय आकाशीय बिजली गिरने से पति और पत्नी घायल हो गए। आसमानी बिजली की चपेट में आने से दोनों घायलों को इलाज के लिए इटावा अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पत्नी की गंभीर हालत होने पर उसे कोटा रेफर कर दिया गया, लेकिन उसने कोटा के अस्पताल में ही इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। राजसमंद में NH-8 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार बेकाबू ट्रेलर के कहर ने दो जिंदगियां छीन ली। ट्रेलर से बाइक की इतनी जोरदार टक्कर हुई कि बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए, जबकि एक महिला समेत बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर सूचना मिलते ही देवगढ़ थाने के SI पूर्ण सिंह मौके पर पहुंचे और शव को देवगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं घायल युवक का भी इलाज जारी है। टोंक के नुहटा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भद्रकाली मंदिर पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की वारदात CCTV में कैद हो गई। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि चोरों ने मंदिर पहुंचने पर देवी को प्रणाम किया और चोरी करके वापस जाते वक्त मां भद्रकाली के सामने नतमस्तक किया। बताया जा रहा है कि चोरों ने दान पात्र से तकरीबन 10,000 की नकदी पर हाथ साफ किया, साथ ही घी का टीन लेकर चोर फरार हो गए। घटना के बाद से ही लोगों में काफी नाराजगी है। कोटपुतली में सेवा प्रकल्प कार्यों को समर्पित स्वयंसेवी संस्था आओ साथ चले के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. विष्णु मित्तल की पहल पर रविवार को कस्बे के कन्या महाविद्यालय के पास बीजेपी जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा और बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भगवान शर्मा ने संयुक्त रूप से 55 तीर्थयात्रियों के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले तीर्थयात्रियों के माथे पर तिलक लगाकर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष शर्मा ने आओ साथ चलें संस्था द्वारा
परमार्थ कार्य करने पर सराहना की है। संस्था के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. विष्णु मित्तल ने कहा कि जीवन के अंतिम समय में तीर्थ स्थलों के दर्शन करने की मान्यता हिंदू परंपरा में रही है। ऐसे में हर व्यक्ति का वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा करने का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन कई लोग अनेक परिस्थितियों के चलते तीर्थ यात्रा करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में टीम ने गांवों के वृद्धजनों को तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने बताया कि मथुरा वृंदावन गोवर्धन के लिए निःशुल्क तीर्थ यात्रा की पहली बस आज रवाना हुई है, आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। खबर संगरिया से है, जहां मालाराम पुरा अबोहार जाने वाली सड़क की हालत बेहाल है। बरसात के समय गाड़ी के प्रत्येक दिन नुकसान होता रहता है और आए दिन बाइक सवार गिरकर चोटिल हो जाते हैं। सड़क पर से सैकड़ों वाहनों का आवागमन रहता है और अनेकों गांव इस सड़क से जुड़ते हैं। वहीं पंचायत समिति डायरेक्टर विक्रम सिंह कलहरी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस संबंध में अवगत कराया, जल्द ही सड़क की मरम्मत करवाई जाएगी ताकि आम जन को राहत मिल सके। सफाई कर्मचारियों के साथ यहां पर आपको बताते चले, कुछ दिन पहले वार्ड वासियों के लोगों ने गाली गलौज और मारपीट की, जिसके बाद एटीएम ने जांच में सफाई निरीक्षक को निलंबित किया था, जिसे लेकर के नगर पालिका कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया। साथ ही उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी के मार्फत जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि अगर जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सुशील कुमार के निलंबन के आदेश तत्काल वापस लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो पूरे जिले भर में इस घटना का विरोध करते हुए सफाई कर्मचारियों और नगर पालिका कर्मचारी हड़ताल करेंगे। नगर पालिका श्री विजयनगर में 13/7/2022 को सफाई कर्मचारी एवं स्वच्छता निरीक्षक के साथ मौके पर कार्य करते समय असामाजिक तत्वों के द्वारा मारपीट की गई, जिसका पुलिस प्रशासन और पालिका प्रशासन के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया। उसके संबंध में पूरी काफ़ी विरोध किया गया, तीन दिन से ये भारी विरोध किया जा रहा है, परंतु कल शाम को अतिरिक्त जिला कलेक्टर के द्वारा श्री सुशील कुमार जी स्वच्छता निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया और जांच विचाराधीन रखते हुए ऐसा कुठाराघात नगर पालिका कर्मचारियों पर किया गया। कोटा शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र में सब्जी बेच रहे एक युवक पर बाइक सवार दो युवकों ने चाकू से हमला करके घायल कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार युवक राम कल्याण मेघवाल चित्रगुप्त कॉलोनी में सब्जी बेच रहा था, तभी तो बदमाश बाइक पर आए और पैसे मांगने लगे। इस दौरान मना करने पर चाकू से हमला कर दिया। युवक राम कल्याण ने बताया कि दूसरे घर जाकर के जान बचाई, वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो आरोपियों की तलाश पुलिस यहां पर कर रही है। दो बदमाशों ने सब्जी बेचने वाले पर चाकू से हमला कर दिया, बाइक सवार युवकों ने चाकू से हमला किया, सब्जी वाले से पैसे की मांग की जा रही थी और जब सब्जी वाले ने पैसे देने से मना किया तो उस पर चाकू से हमला कर दिया जाता है। कोटा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एक सब्जी विक्रेता पर चाकू से हमला करने की घटना सामने आई है, फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है। टोंक जिले में पहली बार अरनिया मंडल की टिफिन बैठक का आयोजन हिंगोनिया बालाजी मंदिर परिसर में किया गया। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां और बैठकों के दौर शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने भी बैठकों
का दौर शुरू कर दिया। बैठक में टिफिन के साथ साथ पार्टी की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। अरनिया मंडल अध्यक्ष देवराज गुर्जर ने बताया कि बीजेपी प्रदेश इकाई से मिले निर्देश के बाद टिफिन बैठक का आयोजन किया गया, जिसको लेकर के मंडल सहित जिले के पदाधिकारी ने भाग लिया है। साल 2023 में होने वाली राष्ट्रीय जंबूरी की मेजबानी राजस्थान को सौंपी गई है। राष्ट्रीय जंबूरी का आयोजन पाली जिले के रोहित में होगा। राष्ट्रीय जंबूरी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 करोड़ की बजट जारी कर दिया है, साथ ही कार्यक्रम की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। पाली में यह कार्यक्रम 4 जनवरी से 11 जनवरी 2023 तक चलेगा, जब जंबूरी इस बार बेहद खास होने वाली है। आपको बताते चलें, 9 देशों के करीब 2000 बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे। खबर हनुमानगढ़ के नुहर से है, जहां नुहर कस्बे में भूमाफिया अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। नगर पालिका 90V की कार्रवाई के बिना ही भूमाफिया नुहर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को काट रहे हैं। कहीं कहीं पर तो भूमाफिया इतने सक्रिय हैं कि नगर पालिका क्षेत्र की भूमियों को भी अपना निशाना बनाते हैं। नुहर नागरिकों का कहना है कि नगर पालिका सूचना बोर्ड लगाया गया था, उसे आखिरकार किसने हटाया। नुहर नगर पालिका प्रशासन से इस बारे में जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि नगर पालिका ने बोर्ड नहीं हटाया है। वहीं जागरूक नागरिकों ने अवैध कॉलोनियां काटने वाले भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आप लोग राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।